এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে যাব নয়াদিল্লিতে। তৃণমূল কংগ্রেসের যে কর্মসূচি রয়েছে নয়াদিল্লিতে, ইতিমধ্যে রাজঘাটে সেখানে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছেন মহাত্মা গান্ধীর সেই সমাধিস্থলে, এবং এই মুহূর্তে তাদের কি পদক্ষেপ, কি কর্মসূচি রয়েছে? তারা রাজঘাটেই রয়েছেন না, সেখান থেকে সরে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, বিশদে জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি কাজল সিং, সরাসরি চলে যাব নয়াদিল্লিতে। কাজল জি, আপকে তরফ সে জো জাননা চাহেঙ্গে কি যে স্টিল নাও টিএমসি ইজ দেয়ার অর দে হ্যাভ শিফটেড দেয়ার प्रोग्राम फ्रॉम राजघाट। जी देखिए, अभी राजघाट पर यहाँ पर अभिषेक बनर्जी श्रद्धांजलि दे रहे थे और अब यहाँ सर निकलने वाले हैं अभिषेक बनर्जी। और देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिषेक बनर्जी यहाँ से श्रद्धांजलि देने के बाद अब निकलने वाले हैं। और आप यहाँ पर सिक्योरिटी भी देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से चाक चौबंद है सिक्योरिटी। और आपको बता दें कि 1 बजे से अभी तक अभिषेक बनर्जी गांधी समाधि के पास ही बैठे हुए थे। उनका कहना यह था कि हम यहाँ पर थोड़ी देर तक बैठेंगे, और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं बस थोड़ी देर में अभिषेक बनर्जी यहां से निकलने वाले हैं। एक चीज जानना चाहेंगे, एनी इंडिया अलायंस मेंबर हैज ज्वाइंड दिस तृणमूल कांग्रेस प्रोग्राम? जी ऋषिकेश, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस का प्रोग्राम जो है वो मुख्य जो प्रदर्शन है वो कल जंतर मंतर दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला है। ऐसे में ये आशंकाएं जताई जा रही हैं। अभी तक आपको बता दें कि पूरी तरह से खबरें ये नहीं आई है कि क्या नाम है अदर जो पार्टियां हैं या फिर इंडिया अलायंस के जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इसमें शामिल होंगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि आज के इस कार्यक्रम में इंडिया अलायंस नहीं शामिल होगा, यानी कि जो कल मुख्य प्रदर्शन होने वाला है उसमें इंडिया अलायंस के कई जो विपक्षी दल आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी अंकुर ये किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि यह सिर्फ यहाँ राजघाट पर नहीं बल्कि पूरी दिल्ली को सिक्योरिटी से पूरी तरह से लैस कर दिया गया है, यानी कि सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। क्योंकि आज देखिए जिस तरह से आज मार्च भी होने वाला है टीएमसी का, टीएमसी जो कार्यकर्ता है या फिर अभिषेक बनर्जी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर यानी कि गांधी समाधि पर श्रद्धांजलि के बाद अब निकलने वाले हैं। और यहाँ से निकलने के बाद वो तुरंत अपने आवास पर जाएंगे, आवास बाद वो उसके बाद जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिलने अंबेडकर भवन जाएंगे, जहां पर कार्यकर्ता अभी ठहरे हुए हैं, यानी कि जो कार्यकर्ता बंगाल से आए हुए हैं वो वहां पर अंबेडकर भवन में ठहरे हुए हैं। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं उधर ही की गई हैं। तो यहां से निकलने के बाद अभिषेक बनर्जी सबसे पहले अपने आवास जाएंगे और उसके बाद वहां से रवाना होंगे। आपको बता दें कि यहाँ से अभिषेक बनर्जी जो है वो निकल रहे हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। जी जी जरूर। और কাজল জি, আপকো বতা দে কি জন্তর মন্তর ধরনা এবং এন্ড কৃষি ভবন অভিযান হ্যাজ অলরেডি ইজ ইট হ্যাজ বিন অ্যানাউন্সড বাই দিল্লি পুলিশ দ্যাট ইট ইজ নট অ্যালাউড টু অ্যালাউড। সো হোয়াট ইজ দ্য রিয়াকশন অফ তৃণমূল কংগ্রেস লিডারশিপ? जी आपको बता दें अंकुर की किस जिस तरह से हमने देखा कि जो ट्रेनें बुक की गई थी वो पूरी तरह से सरकार की तरफ से उसको जो है अनुमति नहीं दी गई थी उसको रद्द कर दिया गया है। और उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर यूं कहें कि टीएमसी के लगातार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि सरकार हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि जिस तरह से ट्रेनें रोकी थी, यानी कि ट्रेन को रद्द कर दिया गया, उसके बाद जो कार्यकर्ता है वो बसों में, अब सरकार ने धारा 144, लेकिन ऐसे में सरकार पूरी कोशिश करेगी रोकने की, लेकिन इस बार हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि अभिषेक बनर्जी जब एयरपोर्ट पहुंचे थे कोलकाता, तभी उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है कि सरकार हमें पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार हम रुकेंगे नहीं और हम अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। जी जी जरूर। এই মুহূর্তে কাজল জি আপ আমাদের সাথে বনে রইয়ে। এই মুহূর্তে দর্শকদের জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে